हेरे अपरंपार तेरी माया, वो तू तो के कर दे एक क्षण में। हेरे मन की सोची बढ़ती बोलिया जो मानस के मने में, मन की सोची बढ़ती बोलिया जो मानस के मने में। छोड़ करके और दूसरी बात के माध्यम से क्या बताया कि किस किस चीज मन में कौन कौन सी बात रही। सुनिएगा, आ
माध्यम से कवि ने लिखा कि उस राजा दशरथ के भी बड़े अरमान थे कि राम को अयोध्या का राजा बना दूं और आराम से अपनी जिंदगी फिर चैन से जीऊंगा। और वो राम का राज तिलक करने के लिए जाते हैं, लेकिन वक्त की चाल देखो, वक्त ने कैसा पासा पलटा, सुनेगा क्या बताया। मन में सोची दशरथ ने, मन में सोची दशरथ ने, सब पंडित लोग बुलाए, राम ने दे तू राज तिलक, अरे कदम नीचे रह गया, नीचे कदम नीचे रह गया, ऊपर चढ़ा गगन में, मन की सोची बंदी गोरिया जो मानस के मने, मन की सोची बंदी गोरिया जो मानस के मने, कोई बात कोई शब्द अच्छा लग गया जो इतना मान सम्मान दिया सभी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और आएगा कवि ने लिखा कि जो इंसान वक्त के अनुसार चलता है उसे कभी जिंदगी में मात नहीं खानी पड़ती, और ना ही वक्त से ज्यादा कभी किसी को कुछ मिला है। जो वक्त से आगे चलने की सोचता है ना, वो कभी पूरा नहीं होता। और आएगा क्या लिख दिया, सुनो ऐसी सभा में गानी चाहिए, बाप सुनो चाहे बेटा सुनो ऐसी सभा में गानी चाहिए, के लक्ष्मी चंदी अब तो समझो